इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है जमीन से, और जब फेंका गया था ऊपर तब उसकी वेलोसिटी थी 49.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, और हम सब जानते हैं कि अगर हम अर्थ पर खड़े हैं, धरती पर खड़े हैं, और हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसे लौट के वापस आना होता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब वो ऊपर फेंका जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, अब इसके ऊपर नहीं जाएगी, वहां से वो नीचे लौटना शुरू करेगी और उसकी जो वेलोसिटी है फिर इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो ये जो बीच का पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे जाता है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, उस पॉइंट पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बड़े इंटरवल के लिए नहीं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसके बाद वो ऊपर नहीं जाता। तो देखिए कैसे हुआ, सबसे पहले आपने किसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी कम हुई और कम हुई और कम हुई, और एंड में जीरो बन गई। उसके बाद जीरो से फिर इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज हुई, और फिर और इंक्रीज हुई, और फिर नीचे जमीन पे गिर गई या आपके हाथ में वापस आ गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, या एक हाइट आती है मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जाता और उस मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, इनिशियली उसको वेलोसिटी दी गई 49.5 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली उसे वेलोसिटी तो दी जाएगी वरना वो ऊपर कैसे जाएगा। उसके बाद वो किसी मैक्सिमम हाइट को रीच कर गया, और हमें यह निकालना है कि उसे कितनी देर लगेगी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। आइए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है 49 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 49.5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी जीरो। कितनी देर लगाएगी फाइनल वेलोसिटी जीरो बनने में, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है एक्सेलरेशन। देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो एक तरह से हमने उसे ग्रेविटी के हवाले कर दिया, ठीक है। अब जो ग्रेविटी है वो उसके ऊपर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लगाएगी, वो कैसे, देखिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है, मतलब हम बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, पहले शुरू में जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच जाता डिक्रीज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो हम बोलते हैं इसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है अंडर ग्रेविटी, वो हर सेकंड एक फिक्स रेट से होती है। ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत कम, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, बाद में धीरे धीरे हुई, ऐसा नहीं है। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, अगर वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो फिक्स रेट से डिक्रीज होगी, हर सेकंड उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और नीचे फेंका जाएगा तो उसी फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी पॉइंट हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं धरती की तरफ, अर्थ की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, तो हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, चाहे वो वेलोसिटी बढ़ रही हो चाहे वो कम हो रही हो। तो यहां पे एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट देखिए, ध्यान रखिए, हमने केस क्या लिया है, ऑब्जेक्ट को फेंका है और वो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो इस पार्ट के अंदर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, तो हम अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगा देंगे। हाँ, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसके बाद ये वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगा, उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बट हमारे इस न्यूमेरिकल में हमने उसकी बात ही नहीं की है, हमने बात की है हाथ से छूटी और मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, बस
यहीं तक की बात है, और यहीं तक तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से एक ही वैल्यू हुई -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम न्यूटन की पहली इक्वेशन लगाते हैं, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक, u की वैल्यू है 49.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किया इसको मैंने t से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 49.5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये बन जाएगा -49.5 एंड इट इज इक्वल टू -9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा t इज इक्वल टू -49.5 होल डिवाइडेड बाई -9.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5। तो इस तरह से t की वैल्यू आई 5। t कौन है, t है टाइम टेकन, इसकी यूनिट होगी सेकेंड्स में, तो हम बोलेंगे आफ्टर 5 सेकेंड्स ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा और इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।